दोस्तों ये है एपिसोड नंबर 2 आस्क गौरव का। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लगा सकते हैं हैशटैग आस्क गौरव। उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा यानी एपिसोड नंबर 3 बनाऊंगा तो उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको दूंगा। और आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे एपिसोड नंबर 1 में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट आ रहा है यहाँ पे विनय भंडारी की तरफ से। ये पूछते हैं यहाँ पे आज गौरव भाई, एलसीडी टीवी कौन सी कंपनी का बेस्ट रहेगा 10,000 रेंज पे। तो देखिए 10,000 की रेंज में पहली बात तो एलसीडी का जमाना जा चुका है, आजकल चल रही है एलईडी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा 10,000 की रेंज में अगर आप कंप्यूटर की एलईडी की बात करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छी। अगर बात करें टीवी की तो टीवी में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, तो आप एक कंप्यूटर की एलईडी ले लीजिए, वो अच्छी रहेगी आपके लिए, उसको आप टीवी बना सकते हैं ऐसे टीवी ट्यूनर के जरिए। और या फिर आप एक काम कीजिए, आप सेकंड हैंड की तरफ जाइए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि देखिए सेकंड हैंड में जो है ना आपको काफ़ी ऐसी चीज़ मिल जाएगी, 32 इंच के आसपास का टीवी मिल जाएगा 10,000 की रेंज में। तो आप उसे ढूंढ लीजिए, उसको ट्राई कर लीजिए। और या फिर आप कस्टम के टीवी ट्राई कर सकते हैं जो आते हैं असेंबल होते हैं। 10,000 की रेंज में आपको इतना अच्छा टीवी नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक अच्छी कंपनी का टीवी लेना चाहते हैं और न्यू टीवी लेना चाहते हैं तो आप कस्टम का ट्राई कर सकते हैं। कस्टम के टीवी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जो असेंबल होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, लेकिन वो आपका काम चला देंगे, वो आपको एटलीस्ट 3-4 साल चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी 10,000 के अंदर में। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा टीवी चाहिए तो आप अपना बजट बढ़ाइए या तो या फिर आप जाइए कस्टम टीवी की तरफ जो आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे साइफान की तरफ से। ये बोलते हैं गौरव भाई, आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो और उसके बारे में कुछ बोलो। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम का फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट्स मैं इसमें यूज़ करता हूँ, इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाती है। वरना इसका कैमरा जो है इनडोर में इतना अच्छा नहीं है, हालांकि आउटडोर में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा इसका मिल जाता है जिससे आप अच्छी खासी वीडियो शूट कर सकते हो। तो मैं तो आउटडोर इनडोर दोनों इसी से शूट करता हूँ ज़्यादातर वीडियोज़ में। ऑलमोस्ट 90% जो वीडियो आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर वो मिलेगी आपको इसी कैमरे से। तो यहाँ पे इससे मैं अपना काम चला लेता हूँ फिलहाल तो, और देखते हैं अगर फ्यूचर में हम कोई अपग्रेड करेंगे तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे ऑल सॉल्यूशन टिप्स एएसटी की तरफ से। ये बोलते हैं आज गौरव भाई, मेरे लैपटॉप में विंडो 10 अपडेट के लिए तो है पर ये विंडो 10 असिस्टेंट अपडेट हो जाता है, मैं क्या करूं? और मेरे जब भी मैं नेट चलाता हूं तो 5 GB मेरा नेट खत्म हो जाता है। मतलब इनका बेसिकली कहने का मतलब यही है कि मैं विंडो 10 को अपडेट करना चाहता हूँ, विंडो 10 अपडेट असिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि मैं विंडो 10 यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो विंडो 7 पे काफ़ी अच्छा चलता है। और विंडो 10 के ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बना के बताऊं कि कैसे डिसेबल कर सकते हैं तो शायद इन फ्यूचर में मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आप इसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं। अभी आपको फिलहाल यहाँ पे YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिनमें आप जाके सर्च कर सकते हैं कि इसको कैसे डिसेबल कर रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन बाबा की तरफ से। ये बोलते हैं आज गौरव, आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो देखिए मेरे टूथपेस्ट में नमक, हींग, इलायची, सोप सब कुछ है, और मैं कुछ इस तरीके से रिएक्शन देता हूँ जब मैं ब्रश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे ऑल सॉल्यूशन टिप्स एएसटी की तरफ से। ये बोलते हैं भाई कोई अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताओ लैपटॉप के लिए, पैसे वाला नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे देखिए पैसे वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो विंडोज़ मूवी मेकर, ये सबसे बिल्कुल फ्री है और सबसे ईजी है। आप पहले इसमें ट्राई कीजिए, जब आप इसमें एडिटिंग सीख जाओ तो उसके बाद आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं तो आप यहाँ पे दिमाग लगा के उसे बहुत कुछ कर सकते हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे फ्री में कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पेड सॉफ्टवेयर को भी फ्री में कर सकते हो, जुगाड़ उगाड़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप ऐसा ही करो, क्रैक करो किसी सॉफ्टवेयर को, लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने तो आप ऐसा कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है अविनाश शर्मा की तरफ से। ये बोलते हैं आज गौरव, आपको एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए भाई यहाँ पे मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में। अगर मैं बात करूँ, पहले मैं देखता हूँ मेरे घर में कितनी शांति है वगैरह है, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई मैं वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद मेरे टाइमिंग शेड्यूल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ आज पूरे दिन में। उसके अलावा यहाँ पे अगर मुझे टॉपिक पता रहता है कि आज मुझे क्या बनाना है तो फिर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना देता हूँ। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता मुझे आज क्या बनाना है तो यहाँ पे वीडियो में टाइम लग जाता है कम से कम 4 से 5 घंटे। और अगर मुझे टॉपिक वगैरह सब कुछ पता होता है तो वीडियो में टाइम लग जाता है 2.5 से 3 घंटे। तो ये है कुछ टाइमिंग, अगर मैं एक वीडियो शूट करता हूँ या बनाता हूँ एडिट करता हूँ तो इतना समय मुझे कुछ लग जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे जितेंद्र यादव की तरफ से। इन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि आपको एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हितेश के आर की तरफ से। ये बोलते हैं मेरा क्वेश्चन है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इमरजेंसी टॉक टाइम 10 रुपीज़ क्रेडिट देता है, तो इमरजेंसी डाटा क्यों नहीं देता?
क्योंकि आज के डेट में टॉक टाइम के जितना ही इंपॉर्टेंट है डाटा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको इमरजेंसी में डाटा भी मिलता है, हर कंपनी के अलग अलग वो होते हैं, कोड्स होते हैं, आप उनको डायल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ 30 MB 40 MB डाटा मिल जाता है, 80 MB डाटा आपको मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं, उसका आपको इमरजेंसी में डाटा अगर लेना है तो उसके लिए वहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप उसे डायल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक इमरजेंसी डाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे मधु यादव की तरफ से, ये बोलते हैं आज गौरव जी वीवो और ओप्पो के बारे में क्या विचार है? तो देखिए ओप्पो और वीवो के फोन जो होते हैं वो इतने बेकार नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे कमी ये है कि उनकी जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। अब बात करें वही चीज़, मतलब 10,000 में कोई और फ़ोन दे रहा है, यानी Xiaomi हो गया, Honor हो गया, ठीक है, ये सारे जो फ़ोन है वो काफ़ी कम बजट में इस अच्छी स्पेसिफिकेशन देती है। अगर हम बात करें ओप्पो और वीवो की तो वो इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाती इस बजट में, वो ध्यान देती है अपनी एड्स पर, यानी टीवी पे बहुत सारे ऐड दे देंगे, बैनर लगवा देंगे, ठीक है, मेट्रो में ऐड दे देंगे, हर जगह मतलब उनकी ऐड आपको मिल जाएगी और आप उससे इरिटेट भी होते हो, तो यहाँ पे उसका इसलिए ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। कम पैसों में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जो देता है वो आजकल मार्केट में टिक रहा है, तो मेरा ओपिनियन यही होगा कि वीवो और ओप्पो को अपने स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा प्राइस कम करना चाहिए अपने डिवाइस पे, तो काफ़ी अच्छा उनके लिए रहेगा और वो काफ़ी अच्छा मार्केट में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है ऑल सॉल्यूशन टिप AST की तरफ से, ये बोलते हैं आज गौरव भाई पेटीएम के डेली प्रोमो कोड कैसे पता करें और कहां से मिलते हैं प्लीज़? तो देखिए पेटीएम के प्रोमो कोड्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि आप गूगल पे डेली सर्च कर सकते हैं कि आज का कोड क्या है पेटीएम के लिए, या फिर आप प्रोमो कोड्स करके सर्च कर सकते हैं इस मंथ के लिए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें हिंट मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कहां से आपको मिलते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप गूगल पे जाके सिंपल डाल दीजिए जिस मंथ में या फिर आज का दिन टुडे डाल दीजिए, तो वो आपको प्रोमो कोड्स के बारे में बता देगा। अब बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, फाइनल क्वेश्चन आ रहा है हितेश कुमार आर की तरफ से, ये बोलते हैं आज गौरव आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, यूट्यूब से कितनी इनकम होती है? तो देखिए यूट्यूब से कितनी इनकम होती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपनी फर्स्ट अर्निंग के बारे में बताया था, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी तो आप इधर जाके देख लेना, इसके अलावा यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगी तो ज़रूर देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ यानी मेरी जो अर्निंग अब जो आ रही है करंटली हर मंथ की, तो वो इतनी हो जाती है कि जितना आप ये समझ लीजिए 60 से $65 के बीच में, कभी थोड़ा और ज़्यादा भी हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है सब कुछ कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सभी के अर्निंग अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो इंक्रीज़ भी हो जाती है, अगर सभी की अर्निंग डिक्रीज़ है तो $60 से $65 के आसपास मेरी जो अर्निंग है वो हो जाती है हर मंथ, तो आप समझ पाएंगे मेरी अर्निंग कितनी होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं #AskGaurav के नाम से, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर दूंगा जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा यानी episode number 3 बनाऊंगा, तब मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया, और साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोज़ का। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।